निकल रहे हैं हम लोग नीलकंठ के लिए, सब लोग रेडी हैं, होटल से चेकआउट कर रहे हैं जस्ट। सो थोड़ी देर में आपको रास्ते मिलते हैं, बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखाने वाले हैं आपको। सारे गाइस रेडी हैं नीलकंठ की यात्रा के लिए, नीलकंठ की यात्रा के लिए अब हम पहुँचते हैं वहाँ पर, फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इतना सारा सामान है हम लोगों के पास, हमारी गाड़ी में जगह नहीं रखने का, बट स्टिल वी आर मैनेजिंग। और सामान कम होने की जगह बढ़ते जा रहा है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं क्या होता है, काफ़ी ठंड है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। सो यात्रा होती है हमारी, नीलकंठ की यात्रा स्टार्ट होती है। सब बोलो बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। सो गाइस निकल चुके हैं नीलकंठ की यात्रा पे, काफ़ी ठंडा मौसम है सुबह सुबह और काफ़ी एक्साइटेड है। कल रात बहुत अच्छी रही हमारी ऋषिकेश में, काफ़ी हमने टाइम स्पेंड किया, 2-3 बजे सोए थे लेकिन फिर भी 6 बजे उठे हैं। और अब हम निकल चुके हैं नीलकंठ की यात्रा करने के लिए, काफ़ी कुछ है आपको बताने के लिए, आगे बताते हैं। कुछ चीज़ें नहीं बता सकते लेकिन कुछ चीज़ बताएंगे जरूर कि हमने क्या क्या किया है। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं नीलकंठ, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैक है, बस थोड़ा सा हम नीचे तरफ जाते हैं। सभी लोग निकल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा नहीं हमें, और मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा ओवरऑल, आधा से पौना घंटा लगा होगा यहाँ आने के लिए। तो अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो नीलकंठ ज़रूर जाइए, यात्रा कीजिए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, काफ़ी हाइट पे आइए। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, हमारे दोस्त लोग हैं नीलकंठ की यात्रा की तैयारी में निकल पड़े हैं, प्रसाद लेके, काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए ये लोग। तो बताइए कैसा फील कर रहे हैं, क्या महादेव से क्या मांगने वाले हैं आज आप? मांगने वाली चीज़ बता दो थोड़ी देर, ये कि श्रद्धा है अपने भगवान को चढ़ाने आए हैं। भाई जो आपने मांगा वो आपको मिल गया, आप ये बताओ। हाँ मुझे मुझे जो इस ट्रिप से चाहिए था वो मुझे मिला। तो आप लोगों को क्या क्या चाहिए? ये चची 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 की आवाज़ है, अरे चची की आवाज़ है, चची की, ये क्या हो रहा है ये भाई? चची भाई, चची हमारी कैटरिंग कैंप से कम नहीं है। सो गाइस अभी हम लोग नीलकंठ से वापस ऋषिकेश के लिए निकल रहे थे, तो रास्ते में जो हमारा ये पॉइंट पड़ता है हमारा जहाँ पे कैंपिंग होती है ब्रह्मपुरी के पास, तो वहाँ पे हमने देखा नीचे बहुत ही प्यारी नदी है जहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है। तो हमने ये रास्ता एक्सप्लोर किया है, ये देखिए आप रोड से, मेन रोड से अगर आएंगे तो आने के बाद यहाँ से ये नीचे रास्ता जा रहा है जहाँ पे गाड़ी जाना अलाउड नहीं है, बट हम लोग पैदल जा सकते हैं वॉक करके। सो अब हम उसी रास्ते में चल रहे हैं, थोड़ा नीचे नदी पर बैठेंगे, रिवर साइड थोड़ा फन करेंगे, ट्रिप हमारा कम्प्लीट हो जाएगा उससे। तो हमने नीचे का रास्ता पकड़ लिया है, ये बहुत ही छोटा सा पता सा रास्ता है, बट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप लोग सीधा नदी पहुँच सकते हैं यहाँ से। तो हम उसी रास्ते पर अभी चल रहे हैं, देखते हैं कितना दूर और पड़ने वाला है रास्ता। काफ़ी सही फील हो रहा है, अब एक्साइटेड हो रहे हैं रिवर राफ्टिंग वाले पॉइंट पे जाके रिवर साइड फन थोड़ा हो जाए तो काफ़ी मज़ा आएगा। We'll be right back.
सो गाइस हम लोगों ने फाइनली रिवर साइड फन कर लिया है और काफी थक चुके हैं। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है तो लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं काफी ठंड में भी, और हम लोग रिवर साइड फन करके प्लस कुछ कंटेंट शूट करके ऊपर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी सांस फूल रही है हम लोगों की, काफी नीचे जाना पड़ता है पैदल। तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो एक बार ब्रह्मपुरी में एक लेफ्ट रास्ता जा रहा है नीचे को, वहाँ जरूर जाएं और रिवर साइड फन करें। वाटर एकदम रिवर का ग्रीन मिलेगा, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। सो गाइस तुम लोग बैग गाड़ी तक पकड़ाती हो यार, इतनी भारी है, पहाड़ चढ़ना पड़ गया। एफर्ट्स के बाद ही कुछ रिजल्ट सामने आने वाला है, सो देखते हैं। रोड आ गया भाई, रोड आ गया, रोड आ गया। काफ़ी लंबा रास्ता तय करके हम लोग ऊपर पहुँच रहे हैं। अब जान में जाना ही है, सबसे पहले पियेंगे पानी, उसके बाद करेंगे गाजियाबाद और दिल्ली के लिए प्रस्थान। मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। गाजियाबाद पर अपने गाड़ी लगा दी है और अब ये हमारा अब ये सही मेट्रो पर बैठ रहे हैं, 3 घंटे घर पहुँचेंगे ताकि ब्लॉग में आप देखोगे इन्हें। सो अनपैकिंग टाइम चल रहा है गाइस, पहुँच चुके हैं हम लोग गाजियाबाद अपने घर पे। सारे दोस्त अपने अपने पॉइंट पे निकलेंगे, घर निकलेंगे। 5 घंटे का ऑलमोस्ट 6 घंटे लग गए हमें ऋषिकेश से गाजियाबाद आने में। अच्छा सफ़र था, ताकि क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आगे भी बने रहिएगा।